हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 5 इसका लेसन 3 है, ए विजिट टू ए हेड स्टार्ट सेंटर। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यह वीडियो का पार्ट 4 है, 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह वीडियो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। ये पैराग्राफ जो दिया है, ये मैंने इससे पहली वाली वीडियो में समझा दिया था। यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया है, वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लिव, यानी कि जो पहला फ्रॉग यानी मेंढक था वो कहाँ रहता था। जब डिड आए ना, तो बच्चों वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो देखिए आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आंसर में हमें सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो द फर्स्ट फ्रॉग लिव्ड कहाँ रहता था, तो देखो इन ए बेल, द फर्स्ट फ्रॉग लिव्ड इन ए बेल। तो आप इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा। देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है द फर्स्ट फ्रॉग लिव्ड इन ए बेल। सेकेंड प्रश्न दिया है, वेयर डिड द सेकेंड फ्रॉग लिव, सेकेंड यानी दूसरा फ्रॉग कहाँ रहता था। तो हमने कहानी में पढ़ा था दूसरा फ्रॉग जो है वो समुद्र में रहता था। तो हम इसे ऐसे करेंगे, द सेकेंड फ्रॉग लिव्ड, इसमें भी ई दिया जाएगा, इन ए सी, ठीक है। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए बच्चों, इस तरह से लिखेंगे हम आंसर, द सेकेंड फ्रॉग लिव्ड इन ए सी, सी यानी समुद्र, सेकेंड फ्रॉग था वह समुद्र में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाट डिड द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकेंड फ्रॉग वन डे। वाट यानी क्या, द फर्स्ट फ्रॉग आस्क यानी पूछा, ठीक है, आस्क यानी पूछना, द सेकेंड फ्रॉग से मतलब सेकेंड फ्रॉग से, फर्स्ट फ्रॉग ने सेकेंड फ्रॉग से क्या पूछा एक दिन, ठीक है। एक दिन जो पहला मेंढक था कुएं का, उसने समुद्र के मेंढक से क्या पूछा। तो इसका आंसर बच्चों इस प्रकार लिखेंगे हम। देखिए ये पूरा प्रश्न में सही है, द फर्स्ट फ्रॉग आस्क्ड, बस डिड दिया है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, द सेकेंड फ्रॉग वन डे। अब ये यहां से आ जाएगा, देखो बच्चों इधर से, हाउ बिग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाउ इज बिग द सी, ठीक है, डेट हट जाएगा, द सी, फिर क्वेश्चन मार्क, वह कितना बड़ा है, ठीक है, समुद्र कितना बड़ा है। इट इज एज बिग एज माई वेल, क्या वह इतना बड़ा है जितना बड़ा मेरा कुआ है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। देखिए, द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकेंड फ्रॉग वन डे हाउ इज बिग, मतलब इसमें देखिए हाउ बिग, प्रश्न में जो है ना, प्रश्न में दिया है हाउ बिग इज, तो हमें क्या करना, इज पहले कर देना है, हाउ इज बिग ये करना है, फिर दस ही और पूरा का पूरा ऐसा लिख देना और डेट को हटा देना। तो यही हमने यहाँ पे किया हुआ है, हाउ इज बिग दसी, फिर पूरा बुक में से ही है, इज इट एज बिग एज माई वेल, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया है, वाई वाज द फ्रॉग फ्रॉम द वेल एंग्री, वाई यानी क्यों, मतलब जो वेल यानी कुएं का जो मेंढक था वह गुस्सा क्यों हुआ, एंग्री यानी होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना, तो वह गुस्सा क्यों हुआ। बच्चों ये पहले प्रश्न में से ही आ जाएगा, द फ्रॉग फ्रॉम द वेल वाज एंग्री बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, द फ्रॉग फ्रॉम द सी टोल्ड हिम, मतलब जो समुद्र का, समुद्र से जो मेंढक था उसने उससे क्या कहा, टोल्ड यान टेल यान होता है बताना या कहना, तो उसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग गई टोल्ड, ठीक है। हिम यानी उसे, हाउ डू यू कंपेयर, ठीक है, हाउ यानी कैसे, डू यानी करना, यू यानी तुम, कंपेयर यानी तुलना, मतलब तुम यह तुलना कैसे कर सकते हो किसकी, द बास्ट, बास्ट यानी होता है विशाल समुद्र की, विथ योवर लिटिल बेल यानी तुम, विथ यानी साथ में, योवर यानी तुम्हारे, लिटिल यानी छोटे, बेल यानी कुएं से, वह इसलिए नाराज हो गया था क्योंकि तुम एक विशाल समुद्र की तुलना
एक छोटे से कुएं से कैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डिड द फ्रॉग फ्रॉम द सी एडवाइस टू द अदर फ्रॉग। व्हाट याने क्या, द समुद्र के जो फ्रॉग याने मेंढक, समुद्र के मेंढक ने क्या एडवाइस दी, सलाह दी अदर फ्रॉग को, या दूसरे फ्रॉग को क्या एडवाइस दी। तो देखिए बच्चों, आप ये यहीं से करना उत्तर इसका, पहले आपको लिखना है इसी में से ही, द फ्रॉग फ्रॉम द सी एडवाइस, एडवाइस सेकेंड फॉर्म लग जाएगी इसकी, इधर लगा देंगे हम डी, एडवाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, डिड, जब भी डिड आए तो हमें आंसर में सेकेंड फॉर्म लगानी, क्योंकि डिड प्रश्न में रहता है, आंसर में डिड नहीं आता है। ठीक है, एडवाइस टू द अदर फ्रॉग, फिर इसके आगे हमें क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है क्या एडवाइस दी, यू मस्ट, मस्ट यानी चाहिए, गो आउट फ्रॉम द वेल, तुम्हें मतलब बाहर जाना चाहिए, कहाँ से, वेल यानी कुएं से, टू सी द वर्डर आउटसाइड, और तुम्हें बाहरी दुनिया को देखना चाहिए। तो ये यहाँ से लेके, पहले यहाँ से लेके आपको यहाँ तक करना है, और फिर इसके आगे यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, इसी के आगे। ठीक है, तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब आगे आते हैं, लेट्स राइट, आओ लिखे ए, रीड द फ्लोविंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ना है। देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, मतलब साल में 12 महीने होते हैं। जनवरी इज द फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे ओर्डिनल नंबर दिए गए हैं, ओर्डिनल नंबर के आगे हमें द लगाना है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि जनवरी जो है वो पहला महीना होता है किसका, साल का या वर्ष का। नाउ यानी अब, राइट सिमिलर सेंटेंस अबाउट द वीक, जैसे ये सेंटेंस दिए गए इसी के समान आपको वीक डेज, वीक डे यानी सप्ताहों के दिन के नाम के ऊपर आपको सेम सेंटेंस लिखना है। बिगेन लाइक दिस, देयर आर 7 डे इन ए वीक, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहाँ पे हमको ओरिजिनल नंबर का यूज करना है, तो देखिए जब भी ओरिजिनल नंबर आए ना तो हमें उसके आगे द लगाना है। ठीक है, तो देखिए हम इस प्रकार से करेंगे, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है। फिर आ जाएगा हमारा ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, यानी कि मंगलवार हमारा कौन सा दिन होता है, दूसरा सप्ताह का दूसरा दिन होता है। वेंसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, यानी कि बुधवार सप्ताह का थर्ड यानी तीसरा दिन होता है। थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक, बृहस्पतिवार या गुरुवार सप्ताह का चौथा दिन होता है। फिर आ जाएगा फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, यानी कि शुक्रवार पांचवा दिन होता है, सप्ताह का पांचवा दिन होता है। सैटरडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, शनिवार सप्ताह का छठवा दिन होता है। संडे इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक, रविवार सप्ताह का सातवा दिन होता है। इस तरह से आप इसको भर लीजिएगा। चलिए बच्चों, हम आगे करते हैं, रीड द नोट गिवन बिलो, पढ़ना है जो नीचे नोट दिया गया है इसे हमें पढ़ना है। December 14, 2017, ये कब लिखा गया है, December 14, 2017 को लिखा गया है। यहाँ पे डेट आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। 1 बजे, दोपहर के 1 बजे हुआ है ये लिखा गया है। डियर मनोज, किसको लिखा गया है, डियर मनोज को, क्या बोल रहा है, वी आर गोइंग टू प्ले ए क्रिकेट मैच नेक्स्ट संडे 8:10 AM, यानी कि हम खेलने जा रहे हैं या खेलने वाले हैं। ठीक है, जब वाले हैं शब्द आए ना तो हमें गोइंग टू का यूज करते हैं। हम खेलने वाले हैं क्रिकेट मैच कब, नेक्स्ट संडे को, यानी अगले संडे को सुबह 10 बजे। रिच ऑन द प्ले ग्राउंड इन टाइम, रिच यानी पहुंचना, ऑन द प्ले ग्राउंड इन टाइम, तुम्हें समय पर खेल के मैदान में पहुंचना है। किसने लिखा है ये, श्याम ने लिखा है, किसको लिखा है, मनोज को। तो इसी तरह से ये बोल रहा है, यू आर पंकज, यानी कि तुम पंकज हो। राइट ए शॉर्ट नोट, ऐसे ही तुम्हें शॉर्ट नोट लिखना है। एंड इन्फॉर्म योर फ्रेंड, इन्फॉर्म यानी सूचना देना
तुम्हारे फ्रेंड को सूचना देना है डेट कि यू आर गोइंग ऑन ए पिकनिक, कि तुम एक पिकनिक पर जा रहे हो विथ योर क्लास टीचर नेक्स्ट मंडे। विथ यानी किसके साथ में, विथ यानी साथ में, योर क्लास टीचर यानी तुम्हारी क्लास टीचर के साथ में तुम नेक्स्ट मंडे एक पिकनिक पर जा रहे हो। आस्क हिम टू ज्वाइन यू, क्या तुम भी उसके साथ में जाना चाहते हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको डेट करनी है, तो डेट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम लिख देते हैं इधर मई, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे मई 22, 2022, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। टाइम लिख दिया है कितने बजे जा रहे हैं, ये दोपहर में जा रहे हैं। आप यहाँ पे चाहें तो 9 बजे भी लिख सकते हो, AM कर दो इधर, ठीक है। कब जाना है पिकनिक पर, सुबह 9 बजे AM। डियर, अब किसको लिख रहे हैं, अब देखो तुम तो पंकज हो, तुम्हारा नाम लिस्ट में आएगा। यहाँ पे डियर में आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, ठीक है, जिसको भी आपको बुलाना है। फिर आगे लिखोगे आप वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, वी आर गोइंग फॉर यानी कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं विथ आवर क्लास टीचर, हमारे क्लास टीचर के साथ में ऑन नेक्स्ट मंडे। जब भी बच्चों समय की बात आती है ना, समय हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखाता है, तो इसलिए हम जब भी देखना समय की बात आए तो आपको लास्ट में ही आएगा सेंटेंस। तो कब जा रहे हैं, नेक्स्ट अगले अगले सोमवार के दिन हम पिकनिक पर जा रहे हैं। आई होप, आशा करता हूँ यू टू ज्वाइन अस ऑन द ट्रिप, कि तुम भी इस ट्रिप को ज्वाइन करोगे हमारे साथ में, ठीक है। तो अब किसने लिखा था, ये पंकज ने, जो लिखता है उसका नाम नीचे आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पंकज। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।